हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन हाइबरनेट वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाइबरनेट में मर्ज और अपडेट मेथड होता है जो सेशन इंटरफेस में होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो इसे हम प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपडेट से, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने एक सेशन ओपन किया, हाइबरनेट सेशन, राइट। एंड यूजिंग दिस सेशन जस्ट आई एम ट्राइंग टू लोड वन एंटिटी क्लास फ्रॉम डेटाबेस, राइट। तो यहाँ लेट्स से कि मैं प्राइमरी की वन दे रहा हूँ, राइट। सो लेट मी शो यू माय डेटाबेस। तो यहाँ अब एम्प्लॉय टेबल में देख सकते इतने रिकॉर्ड्स हैं, प्राइमरी की वन से एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, राइट। इसको मैं लोड कर रहा हूँ, राइट। तो हाइबरनेट में जैसे ही कोई सेशन ओपन करते हो, उस सेशन का यूज करके गेट मेथड करते हैं, जहाँ एंटिटी क्लास पास करना है और प्राइमरी की पास करना है, तो ये हाइबरनेट से लोड हो जाएगा आपको, राइट। और इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ हाइबरनेट, ये ऑब्जेक्ट के स्टेट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। टू स्ट्रिंग मेथड मैंने एंटिटी क्लास में ओवरराइड कर रखा है, राइट। तो नाउ लेट्स से इफ आफ्टर लोडिंग दिस एंटिटी क्लास फ्रॉम डेटाबेस, तो जैसे ही सेशन डॉट गेट करेंगे तो हाइबरनेट क्या करेगा, इस प्राइमरी की के लिए सेलेक्ट क्वेरी फायर करेगा, राइट। और ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डेटाबेस से लोड करके आपको दे देगा, राइट। अब जब मैं इसमें कुछ चेंज करूँगा, लेट्स से कि मैं ईमेल एड्रेस चेंज करने की कोशिश करता हूँ, राइट। ईमेल एड्रेस, लेट्स से अभी ईमेल एड्रेस ये है इस एम्प्लॉय का, राइट। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और ईमेल एड्रेस लेट्स से pks.m@gmail.com, तो pks.m@gmail.com कर देता हूँ, राइट। और यहाँ मैं राइट यहाँ ये जो सेशन है, अब अपडेट मेथड कॉल करूँगा तो क्या करेगा, अपडेट मॉडल यहाँ एम्प्लॉय आपको पास करना है। तो ऑफकोर्स अपडेट जब कर रहे हो कॉल, तो इससे पहले क्या करना होगा आपको, इस सेशन का यूज करके आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन बिगिन करना होगा, राइट। क्योंकि अपडेट आप इसमें चेंज करने जा रहे हो, तो आपको कहना होगा बिगिन ट्रांजैक्शन, राइट। जस्ट अपडेट करने से, अपडेट से पहले एंड आफ्टर अपडेट यू हैव टू कमिट इट, राइट। सो अगेन यू आर गोइंग टू डू सेशन डॉट एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन को गेट करना है एंड देन कमिट करना है, राइट। अपडेट मेथड तो काफ़ी सिंपल है, राइट। आपने एंटिटी को लोड किया, उसमें कुछ चेंज किया, ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी चेंजेज किया, राइट, जैसे यहाँ ईमेल चेंज कर रहा हूँ, राइट। ईमेल नया मैं अपडेट करने के लेट से कि और भी एट्रीब्यूट आप चेंज करना चाहते हैं, तो सेटर मेथड को कॉल करके चेंज कर दो, उसका अपडेट कर दो, राइट। सेशन बिगिन करना है, सॉरी, ट्रांजेक्शन बिगिन करना है, कमिट करना है, उसके बीच में अपडेट कॉल कर देना है, राइट। तो बेसिकली ये हाइबरनेट दो क्वेरी फायर करेगा, पहला तो गेट ऑपरेशन इसके, सेलेक्ट ऑपरेशन इसके लिए, और इसके लिए अपडेट ऑपरेशन करेगा, राइट। लेट मी शो यू। तो हाइबरनेट पहले गेट मेथड आपने कॉल किया, तो सेलेक्ट क्वेरी फायर किया, फिर अपडेट फॉर ईमेल एड्रेस, राइट। इफ आई गो टू द डेटाबेस, तो आप देखेंगे कि ईमेल अपडेट हो गया, राइट। ईमेल देख सकते हैं कि ईमेल अपडेट हो गया, राइट। तो अपडेट मेथड तो बहुत ही सिंपल है। नाउ थिंग इज दैट व्हाट इन व्हाट केस आई शुड यूज मर्ज मेथड, राइट। अब मैं अपडेट हटाता हूँ इस कोड को, लेट्स से कि ये जो एम्प्लॉय है, राइट, ये मैंने क्या किया गाइज, यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ नल, राइट। और लेट्स से कि एम्प्लॉय हमने यहाँ पे लोड किया फर्स्ट सेशन में, ये जो सेशन था फर्स्ट ट्राई कैच, इसमें लोड किया, राइट। और उसके बाद ये सेशन मैंने क्लोज कर दिया, राइट, क्योंकि ये ट्राई विथ रिसोर्सेस मैं यूज कर रहा हूँ सेशन को, राइट। तो जैसे ही ये ट्राई ब्लॉक क्लोज होगा, तो उसके बाद क्या होगा, आपका सेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ये सेशन जैसे क्लोज हो गया इस ट्राई के बाद, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट आपने लोड किया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, राइट। जैसे ही सेशन क्लोज हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट ट्रांजिएंट हो जाता है, मतलब डेटाबेस से उसका कोई सिंक नहीं रहता है। उसके बाद मैं उसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं एक नया सेशन ओपन करूँगा, ठीक है ना, फिर मैं एक नया सेशन ओपन करूँगा, ठीक। और ये जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, राइट, फिर से मैं लोड करूँगा दूसरे सेशन में, सेम प्राइमरी की से मैं लोड कर रहा हूँ, राइट। लेट से इसको एम्प्लॉय टू कर देते हैं। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट था, राइट, जो मैंने इस सेशन पहला सेशन में लोड किया था, और ये सेशन क्लोज हो गया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करा, अब इस चेंज को मुझे दूसरे सेशन में
जो सेकेंड सेशन मैंने ओपन किया राइट, दूसरा सेशन ओपन किया राइट, उसके थ्रू मुझे डेटाबेस में चेंज करना है, डेटाबेस में अपडेट करना है राइट। तो आपको क्या करना है बेसिकली, तो सबसे पहले आपको सेशन से जो सेकेंड सेशन आपने क्रिएट किया, तो सेशन बिगिन ट्रांजेक्शन करना होगा राइट, ट्रांजेक्शन बिगिन करना है। फिर मैं क्या करूँगा, सेशन डॉट यहाँ पर अपडेट करोगे तो देखोगे क्या प्रॉब्लम होगा, और अपडेट में मैं क्या करूँगा, जो जो ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट है उसको मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा सेकेंड सेशन। लुक एट हियर एंड आई एम डूइंग सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन एंड डॉट कमिट राइट। तो लेट मी टेल यू कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। पहला सेशन में प्राइमरी की वन से मैंने ऑब्जेक्ट लोड किया राइट, उसके बाद सेशन क्लोज हो गया, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेज किए, और सेकेंड सेशन ओपन कर रहा हूँ जिसमें सेम ऑब्जेक्ट मैं लोड कर रहा हूँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, सेम ऑब्जेक्ट लोड कर रहा हूँ क्योंकि प्राइमरी की सेम है, यहाँ भी यही ऑब्जेक्ट था। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट था ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट उसको अपडेट कर रहा हूँ सेकेंड सेशन में, तो क्या करेगा ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। लेट मी शो यू, दिस विल थ्रो एन एक्सेप्शन राइट। क्या कर रहा है, ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द सेम आइडेंटिफायर वैल्यू वाज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द सेशन राइट। तो ये क्या कह रहा है कि आपको पहला सेशन में आपने सेम प्राइमरी की से ऑब्जेक्ट लोड किया था, वो ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट हो चुका है, उसके बाद आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराया, और सेम ऑब्जेक्ट मतलब सेम प्राइमरी की से कर रहे हो तो सेम ही ऑब्जेक्ट होगा, लोड कर रहे हो दूसरे सेशन में और पहले ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट को आप अपडेट करने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल डिनाई कर देगा, एकदम एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर अपडेट के जगह पर आपको मर्ज कॉल करना होगा राइट, व्हाट यू आर सेइंग टू द हाइबरनेट, हे हाइबरनेट आई हैड लोडेड वन एंटिटी क्लास इन माय प्रीवियस सेशन व्हिच इज ऑलरेडी क्लोज्ड, स्टिल आई मेड सम मॉडिफिकेशन इन दैट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट राइट, एंड दैट ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट आई वॉन्ट टू सिंक विद द डेटाबेस इन द सेकेंड सेशन एंड एट द सेम टाइम आई एम लोडिंग द बेसिकली सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, सो मर्ज माई चेंजेज विद द सेकेंड सेशन राइट, सेकेंड सेशन राइट। तो ये मर्ज कर देगा, अब मैं रन करूँगा राइट, लेट मी शो यू द डेटाबेस। तो यहाँ ई मेल आई डी अभी फिर से पी के एस कर देते हैं राइट, पी के एस कर देते हैं, अब डेटाबेस में लेट मी शो यू ताकि आपको क्लियर रहे, पी के डॉट एम एट जी मेल डॉट के में लेट मी रन इट नाउ। अर्लियर क्या है, एक्सेप्शन थ्रो किया था, आप देखेंगे क्या शुरू करता है। तो पहला सेशन में गेट किया था उसके लिए आपको सेलेक्ट क्वेरी, दूसरा सेशन में पहले गेट कर रहे हैं तो उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी, और मर्ज की वजह से यहाँ अपडेट कर दिया राइट। इफ़ आई गो टू द डेटाबेस देन यू सी ईमेल अपडेट हो गया होगा राइट, सो हियर यू कैन सी ईमेल हैज चेंज राइट। सो दैट्स हाउ बेसिकली मर्ज मेथड वर्क्स राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपडेट और मर्ज में क्या डिफरेंस है राइट। एक बार फिर से मैं रीइटरेट कर देता हूँ, मर्ज में हर कोई फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में राइट, जब भी इंटरव्यू होता है। तो लेट से कि फर्स्ट सेशन आपने ओपन किया उसमें लेट से कि एंटिटी क्लास को लोड किया राइट, तो दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे ट्राई विथ रिसोर्सेज किया है, तो जैसे एक ट्राई ब्लॉक समाप्त हुआ तो ये ऑब्जेक्ट आपका ट्रांजिएंट हो जाएगा, वो ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किया, फिर दूसरा सेशन आपने लोड किया, दूसरा सेशन क्रिएट किया राइट, और सेम ऑब्जेक्ट आपने उसने दूसरे सेशन में लोड किया, और उसके बाद जो ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट में जो मॉडिफिकेशन किया था उसको आपको अपडेट करना है डेटाबेस से, तो अपडेट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज सेम ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लोड किया दूसरे सेशन में, तो यहाँ पे मर्ज काम करेगा राइट। सो आप हाइबरनेट को बोल रहे हो कि मेरा जो ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट था जो पहले सेशन में लोड किया था वो सेशन क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करे हैं, दैट आई वॉन्ट टू सिंक विद द डेटाबेस, और दूसरे सेशन में मैं उस ऑब्जेक्ट को भी लोड कर रहा हूँ सेम ऑब्जेक्ट को, तो मैं मर्ज करना चाहता हूँ अपने चेंजेस को, जो प्रीवियस सेशन में जो ऑब्जेक्ट लोड किया था जो ट्रांजिएंट हो चुका है उसको मर्ज करना चाहता हूँ डेटाबेस से, तो हाइबरनेट हैप्पीली से मर्ज कर देगा, लेकिन यहाँ अपडेट करने में फेल हो जाएगा क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट प्राइमरी की से सेकेंड सेशन में भी एसोसिएटेड एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए फेल हो जाता है राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा इसे ज़रूर लाइक कर दें ठीक है ना, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।